नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेंटर फॉर यू पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योतिराव फूले पर आसान शब्दों में निबंध। तो आइए शुरू करते हैं। ज्योतिराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंद राव फूले था। इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के पुणे में माली जाति के एक परिवार में हुआ था। उनके माता का नाम चिमनाबाई और पिता का नाम गोविंद राव था। माली पारंपरिक रूप से फल और सब्जी उत्पादकों के रूप में काम करते थे। जाति पद अनुक्रम की 4 गुना वर्ण व्यवस्था में उन्हें शूद्रों या निम्नतम रैंकिंग समूह के भीतर रखा गया था। इन्होंने प्रारंभ में मराठी भाषा में शिक्षा प्राप्त की, परंतु बाद में जाति भेदभाव के कारण बीच में ही इनकी पढ़ाई छूट गई। बाल विवाह प्रथा के अनुसार 13 साल की उम्र में उनकी शादी उनके ही समुदाय की एक लड़की से कर दी गई, जिसे उनके पिता ने चुना था। उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ 1848 में आया, जब वे एक ब्राह्मण मित्र की शादी में शामिल हुए। फूले ने प्रथागत विवाह बारात में भाग लिया, लेकिन बाद में ऐसा करने के लिए उनके दोस्त के माता पिता ने उन्हें फटकार लगाई और उनका अपमान किया। उन्होंने उससे कहा कि उसे शूद्र जाति से होने के कारण उस समारोह से दूर रहने की समझ होनी चाहिए थी। इस घटना ने फूले को जाति व्यवस्था के अन्याय पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन को पढ़ा और सामाजिक न्याय की गहरी भावना विकसित की। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में शोषित जातियां और महिलाएं नुकसान में थी, और यह भी कि इन वर्गों की शिक्षा उनकी मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण थी। फूले ने पहले अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ाना और लिखाना सिखाया, और फिर इस जोड़े ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल शुरू किया। पुणे के रूढ़िवादी उच्च जाति समाज ने उनके काम को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कई भारतीयों और यूरोपीय लोगों ने उनकी उदारता से मदद की। उन्होंने महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। 24 सितंबर 1873 को फूले ने दलित समूहों जैसे महिलाओं, शूद्र और दलितों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्यशोधक समाज का गठन किया। फूले ने भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार बी.आर. अंबेडकर को प्रेरित किया। अंबेडकर ने फूले को अपने 3 गुरुओं या गुरुओं में से एक के रूप में स्वीकार किया था। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। उन्होंने देश से छुआछूत खत्म करने और समाज को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई, इसलिए उनकी स्मृति में हर साल 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।